बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट मीन 10 गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। चैप्टर का नाम गैशियस एक्सचेंज है, लेकिन आज हम टॉपिक कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके सामने एक लीफ का जनरल स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें आपको ये जो आउटर वाली जो सरफेस है वो किसको मेंशन कर रहा है कि दिस इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट कवरिंग है, और उसी कवरिंग के ऊपर फिर क्या मौजूद होता है, क्यूटिकल मौजूद होता है। एक छोटी सी थिन लेयर है जो क्यूटिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट ये जो ये आपको ये नजर आ रहे हैं ये चीज, और यहाँ से ये एक्चुअली पैलिसेड मेसोफिल सेल्स होती हैं। पैलिसेड मेसोफिल सेल्स का क्या मतलब है कि ये मेसोफिल सेल्स जो सिलेंड्रिकल होती हैं, जो रेगुलर फॉर्म में अरेंज होती हैं, उनके दरमियान में कोई गैप मौजूद नहीं है, ऐसे सारे एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कौन से सेल्स होते हैं, स्पंजी मेसोफिल सेल्स। अब जो स्पंजी मेसोफिल सेल्स हैं ये इररेगुलरली अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। कि ये देखें, ये अंदर ऐसे सेल के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। और वैसे अगर इनका फंक्शन मैं आगे जाके आप लोगों को बता दूंगा। उसके अलावा ये इसमें क्या मौजूद होता है, वास्कुलर बंडल, जिसमें जैलम और फ्लोएम दोनों होती हैं। आई होप जैलम और फ्लोएम का फंक्शन आप लोगों को पता होगा कि जैलम का क्या काम है कि ये वाटर और मिनरल आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम का क्या काम है कि ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, तो चले आज हम गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स को डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं उनमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दिस इज वेरी सिंपल इन प्लांट्स। कोई स्पेशल ऑर्गन मौजूद नहीं होता रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। लेकिन अगर आप बात करो एनिमल में पूरा मैकेनिज्म होता है, नोज होता है, उसके अलावा नेजल कैविटी, इसी तरीके से जाए ट्रैकिया, व्हाटएवर, आपके लंग्स मौजूद होती हैं, एक स्पेशल सिस्टम मौजूद होता है फॉर गैसेस एक्सचेंज। लेकिन इन द केस ऑफ प्लांट्स देयर आर नो स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि वन ऑफ देम इज स्टोमेटा, और स्टोमेटा के अलावा सेकंड क्या मौजूद होती हैं, लेंटी सेल्स मौजूद होती हैं। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक्वेटिक प्लांट्स की, तो उनमें एक अलग मैकेनिज्म है। ओके, सो आपको पता है व्हाट आर द स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। फॉर एग्जाम्पल, ये वो लीफ का सरफेस है, इसकी सरफेस के ऊपर मौजूद क्या होती है, स्टोमेटा मौजूद होती है। ये स्टोमेटा है ये वाला, और इस स्टोमेटा के दो गार्ड सेल्स होती हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। कि ईच स्टोमेटा हैज टू गार्ड सेल्स। अब ये डे के टाइम ओपन होते हैं, नाइट के टाइम क्या होती है, बंद होती है। ओके, अब होता क्या है, या जो ये जो स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, ये डिफरेंट फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बाहर हाई हो जाती है, तो उस हवाले से भी ये स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मेजरली हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो देखो आपको पता है मेसोफिल सेल्स कहाँ मौजूद होती हैं, कि ये भाई सेल ये लीफ का सरफेस है, इसमें ये क्या मौजूद है, मेसोफिल सेल्स मौजूद है। अब मेसोफिल सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट, ये जो आपको डॉट डॉट स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जितने भी सारे, ये इसमें भी, ये सिवाय इसके, ठीक है, ये वास्कुलर बंडल के अलावा बाकी जितने भी इनमें आपको डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनेली है, ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा था कि दीज आर द प्लास्टिड्स, और ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, मतलब ग्रीन पिगमेंट्स है। अब इनमें मौजूद होता है क्लोरोफिल मौजूद होता है, इनमें क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। अब क्लोरोफिल आपको पता है फिर किस में इन्वॉल्व होता है, कि ये इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में, ये फोटोसिंथेसिस करवाता है। अब एक्चुअली मैकेनिज्म वही है कि द प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, कि लाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल उस लाइट को यूज करता है, और इन रिस्पॉन्स उसको किस में कन्वर्ट करता है, फूड से फूड बनाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऊपर से मतलब लाइट हो और क्लोरोफिल मौजूद हो, तो इस दौरान क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और उसके साथ ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, और वाटर भी प्रोड्यूस होता है, वो अलग मैकेनिज्म है, ठीक है। तो देखो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब किया जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है, और ये सारा का सारा मैकेनिज्म किसके तहत हो रहा होता है, स्टोमेटा के तहत हो रहा होता है। इसमें मेजर ऑर्गन कौन इन्वॉल्व है, स्टोमेटा, ठीक है। अब डे के टाइम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है भाई, अब फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, वो एटमॉस्फेयर में जा रही है, और उसके साथ साथ रेस्पिरेशन भी हो रहा है, कि भाई प्लांट जिंदा है ना, उसको एनर्जी तो चाहिए। अब फोटोसिंथेसिस कर रहा है तब मतलब ये कि वो जिंदा है, उसको क्या चाहिए, फूड चाहिए। अब वो फूड कहाँ से ऑब्टेन करता है, जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस कर रहा है। ऑफ कोर्स फूड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, थोड़ा सा खुद यूज करता है, बाकी हमें दे देता है।
ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उस दौरान जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है उसको कौन यूज कर रहा है? रिस्पिरेशन। अब रिस्पिरेशन उलट है, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। फोटोसिंथेसिस में फूड प्रोड्यूस हो रहा है, रिस्पिरेशन में उसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ मेन रिएक्टेंट है। इन द केस ऑफ रिस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड वहां यूज हो रहा होता है, इधर प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। ये एक दूसरे के तीनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। यहाँ से आपको इन तीनों का डिफरेंस भी आप लोगों को मिल गया, आप इसे लिख भी सकते हैं, और इवन रजिस्टर पेंसिल आपके साथ होना चाहिए, सब कुछ लिखते जाओ साथ साथ। ओके, अब भाई नाइट के टाइम ये अपोजिट होता है। नाइट के टाइम आपको पता है देयर इज नो एनी काइंड ऑफ फोटोसिंथेसिस अकरिंग प्लांट लीफ, तब क्या होता है कि वहां रिस्पिरेशन होती है सिर्फ, और रिस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड किस में जा रहा है? एटमॉस्फेयर में जा रहा है, और इसी बेस पे कहते हैं कि भाई रात को दरख्तों के नीचे नहीं सोना। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है प्लांट, और उससे हमें सफोकेशन होती है भाई, हम खुद भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं और ऊपर से भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, दम घुटने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट केस है कि जो लेंटी सेल्स मौजूद होती हैं, वो अगर मैं बात करूँ बूटी प्लांट्स की या जो मैच्योर प्लांट्स हैं उनमें बार्क मौजूद होता है, एक थिक बार्क। अब उस बार्क के ऊपर छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, उनको हम किसका नाम देते हैं? लेंटी सेल्स, ठीक है। अब जो गैसेस एक्सचेंज है वो थ्रू लेंटी सेल्स के तहत होता है, मतलब ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कि भाई ये बार्क है, इस बार्क के ऊपर ऐसे छोटे छोटे उपभास मौजूद होते हैं, अब इनको हम लेंटी सेल्स का नाम देते हैं। इन लेंटी सेल्स के से क्या होता है? वो गैसेस एक्सचेंज होता है। अब आपको पता है इन द केस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स उनमें आपको वाटर में ऑक्सीजन भी डिसॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व होता है। अब उस डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को क्या करते हैं? प्लांट लेते हैं, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स है वाटर जिसमें, मतलब इक्वेटिक प्लांट्स मतलब वाटर में होती हैं, उनमें उस वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसॉल्व होता है, उसको वो यूज करते हैं और इन रिस्पॉन्स वो फूड प्रिपेयर करते हैं, और इसी दौरान वो ऑक्सीजन भी उसी वाटर में क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो ये है गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ज़्यादा चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।